हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइबर वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एमएस एक्सेल में एक साथ कई शीटों को कंसोलिडेट कैसे करें। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको एमएस एक्सेल की काफी सारी जानकारियां दी हैं। आज हम सीखेंगे एक्सेल शीटों को कंसोलिडेट कैसे करें। तो चलिए चलते हैं अपने पीसी स्क्रीन पर। उससे पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं साइबर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाले सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन पर। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में एक या एक से अधिक शीटों को कंसोलिडेट कैसे करते हैं। अगर आपने एमएस एक्सेल एप्लीकेशन में कई सारे वर्कशीट क्रिएट कर रखी हैं, जिनका जो टेबल है वो सेम है और जो डेटा है वो अलग अलग है, तो उनको आप कैसे एक अलग शीट पर कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर तीन सीटें बनाई हैं, सीट वन, सीट टू और सीट थ्री। इन तीनों सीट पर टेबल एक जैसे हैं, लेकिन डेटा अलग अलग है। इन सीटों में जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुछ रैंडमली डेटा फिट किया है और लिस्ट वन, लिस्ट टू और लिस्ट थ्री का नाम दिया है। उसी तरह आप सीट टू और सीट थ्री में भी देख सकते हैं। और चौथी सीट मैंने यहाँ पर ऑल डेटा के नाम से बनाई है, जिसमें हम इन तीनों सीटों के डेटा को कंसोलिडेट कर इसमें फिल करेंगे। इसके लिए एक्सेल में एक बहुत अच्छी कमांड दी गई होती है कि आपको जाना है डेटा में और वहां पर आपको एक कंसोलिडेट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कंसोलिडेट का एक विंडो यहां पर ओपन हो जाएगा। इसमें आपको इतने सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला ऑप्शन है फंक्शन। इसमें आपको सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम जैसे काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। दूसरा ऑप्शन है रेफरेंस का। तो चलिए हम रेफरेंस का यूज करते हैं, ये कैसे काम करता है। तो रेफरेंस का यूज करने के लिए यहाँ पर एक जो आइकन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। रेफरेंस का अर्थ है कि आपको एमएस एक्सेल को बताना होगा कि आप किस जगह से अपने डेटा को लेना चाहते हैं। तो हमने रेफरेंस के उस आइकन पर क्लिक किया था। अब हम जाएंगे सीट वन पर। सीट वन पर जैसा कि हम आ चुके हैं, यहाँ पर जो हमने टेबल बनाई है उसे यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद हम इस आइकन पर क्लिक करेंगे और ये जो रेफरेंस यहाँ पर आया है इसे हम यहाँ पर ऐड करा लेंगे। इसी तरह से हम सीट नंबर टू पर जाएंगे, फिर से हम अपने सीट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह हम फिर सीट नंबर थ्री पर जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा ये रेफरेंस में सीट थ्री शो कर रहा है और एक्सेल हमारे सीट को खुद से डिटेक्ट कर लिया है। तो सिंपली हमें यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे तीनों रेफरेंस आ गए हैं जिसे हमें कंसोलिडेट कराना है। अब यहाँ पर फंक्शन में आपको ये पूछ रहा है कि आपने जो अपने जो एक्सेल शीट को कंसोलिडेट करेंगे, आप उसे सम कराना चाहते हैं या काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम। इन सारे ऑप्शन में से आप जो भी कराना चाहते हैं आप आसानी से करा सकते हैं। यहाँ पर हम सम करके देखते हैं। उसके बाद हमारा एक नीचे ऑप्शन है यूज टेबल इन टॉप रो और लेफ्ट कॉलम। इसका अर्थ है जो आपने टॉप रो और फर्स्ट कॉलम जो आपने सिलेक्ट किया था, आप उसे भी कंसोलिडेट कर ऑल डेटा वाले सीट में लेना चाहते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो इन दोनों ऑप्शन पर चेक लगा दें। तो मैंने यहाँ पर चेक लगा दिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये तीनों सीट का कंसोलिडेट डाटा इसमें फिल हो गया है। जो टॉप रो थी और साइड वाला कॉलम था वो सेम उसी तरह आ गया है और जो हमारा डेटा था वो सम होकर यहाँ पर आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प हो, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।